is satisfying. Back on. ये है क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज 5.1। तो इसमें हमने क्या सॉल्व करना है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर टू। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज बिलो। फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 10। तो हमें इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स निकालनी है। तो ये है क्वेश्चन। चलिए अब हम क्वेश्चन को देख के इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमें बता रहा है कि ये फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी एंड दिस डी इज द कॉमन डिफरेंस। हमें इस को यूज करके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है और उसके चार फर्स्ट चार टर्म निकालने हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हियर फर्स्ट टर्म इज 10 एंड डी इज आल्सो 10, डी इज कॉमन डिफरेंस। नाउ we have to calculate the second term. We know that second term is first term plus common difference. कोई भी term निकालने के लिए हमारे पास जो इसका rule वो ये है कि जो भी term आपको निकालनी है उसको d के साथ add करते जाइए common difference, तो वो आपको देगा कि आपको जो भी टर्म चाहिए वो टर्म आपको निकाल के देगा। तो यहाँ पर सेकंड टर्म हमने निकाली है, सेकंड टर्म निकालने के लिए इसको फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो मैं लिखूँगा हियर फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज आल्सो 10, इट मीन्स 10 प्लस 10 इज 20, इट मीन्स हियर सेकंड टर्म इज 20. Now also third term of this arithmetic progression will be second term plus common difference. Third term निकालने के लिए second term को common difference से add करना है, जिस तरह से second term को निकालने के लिए first term को common difference से add किया। तो second term is 20. Now I will add here 20 plus 10, 10 is common difference, this will become 30, it means third term is 30, fourth term will be third term plus common difference, it means third term is 30 and common difference is 10. Now we will add this, this will become 40. It means fourth term of this arithmetic progression will be 40. Now, I will write down AP. Arithmetic progression will be first term is 10 and second term is 20, third term is 30, fourth term is 40, dash dash. This is the required arithmetic progression which was asked in the question to find out the arithmetic progression with four terms. These are the four terms of this arithmetic progression. बड़ा easy question है, लेकिन समझना है इसको कैसे करना है, exam में कैसे लिखना है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो easy question भी कभी मुश्किल क्वेश्चन बन जाता है जब आप इसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे। तो इसको देखने के बाद आप बाकी बहुत सारे पार्ट्स इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर और एक पार्ट सॉल्व करता हूँ, ये है इसी का सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं।
तो सेकंड पार्ट में क्या है, फर्स्ट टर्म इज माइनस टू एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इज ज़ीरो. नाउ इसको भी इसी तरह से मैं सॉल्व करूँगा, आप देखते जाइए. आई विल राइट डाउन हियर, सेकंड टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज माइनस टू कॉमन डिफरेंस इज ज़ीरो. इट मीन्स सेकंड टर्म इज टू, थर्ड टर्म इज कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म इज माइनस टू एंड कॉमन डिफरेंस इज ज़ीरो. इट मीन्स थर्ड टर्म इज माइनस टू. नाउ फोर्थ टर्म विल बी थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस डी, थर्ड टर्म इज टू माइनस टू एंड कॉमन डिफरेंस इज ज़ीरो. व्हेन वी विल ऐड दिस, दिस विल बिकम माइनस टू. इट मीन्स AP is minus 2, comma minus 2, comma minus 2, comma minus 2. This is an AP, arithmetic progression. इस क्वेश्चन में आपने याद रखना है, यहाँ पर आपने एक और चीज़ सीखा. In this question, you must remember here that you learn here something extra one point. That is, the common difference of an arithmetic progression can be zero. जिसको मैंने पहले ही क्लास में आपको सिखाया है, that is available, जो चैनल पे available है, आप देख सकते हो. इंट्रोडक्शन में I have explained you that the common difference of an arithmetic progression may be also zero. Here, this becomes very clear in this arithmetic progression that the common difference of an arithmetic progression is here zero. That is true, common difference can be positive, negative and also zero. Here is common difference zero, but this series of these numbers is an arithmetic progression. So, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर किया ताकि आपको समझ आएगा कि कॉमन डिफरेंस ज़ीरो कैसे होती है. दैट्स व्हाई आई राइट डाउन दिस टू क्वेश्चंस, आई सॉल्व दिस क्वेश्चन जॉइंटली बिकॉज फॉर योर हेल्प सो यू मे अंडरस्टैंड इन दिस टू क्वेश्चंस दैट दे how can we find out the terms of an arithmetic progression and also the common difference of an arithmetic progression can be zero, which I have explained you here. So watch with carefully and remember and practice after watching this class 4-6 times, and this will help you and your friends in understanding the concept of arithmetic progression clearly.